नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कोरिया ज़िले में सोनहत, काफ़ी प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर जगह, और वहाँ तैयार हो रहा है रिसोर्ट। तो रिसोर्ट में हम लगाएंगे देसी गुलाब, बेल, सीताफल, एडेनियम और ये गमले में होने वाला प्लांट। तो NH 43 पर अंबिकापुर से बैकुंठपुर बाईपास से आए हैं, और यहाँ खरवत चौक से अंबिकापुर से आने पर दाहिनी तरफ मुड़ेंगे और लगभग 30 किलोमीटर यहाँ से और आगे जाएंगे सोनहत, और वहाँ पर फिर मिलते हैं सोनहत में। देखते हैं जहाँ हम जा रहे हैं वो कैसी जगह है। मनोरम स्थल है सोनहत, और पहाड़ के ऊपर हम अब चढ़ रहे हैं। NH 43 से जो सड़क निकली है सोनहत के लिए वो भी शानदार है, और बहुत आसानी से हम आधा घंटा में ही सोनहत पहुंच जाते हैं जंगलों के बीच से गुजरते हुए। तो अब कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे अपने रिसोर्ट तक। ये गेज बांध है। थोड़ी ही दूर चढ़ाई पर चढ़ने के बाद गेज बांध का ये शानदार नज़ारा दिख रहा है, और हम चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, अभी सोनहत की तरफ बढ़ रहे हैं। शानदार सड़क पर हम सोनहत की तरफ आगे बढ़ते हुए तेरह चौदह किलोमीटर लगभग चढ़ाई चढ़ने के बाद जब ऊपर आते हैं तो एकदम समतल है और जंगल काफ़ी है, और यहाँ पर एक पठार जैसा है, और इसमें हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ दूर और चलते हैं फिर पहुँचते हैं हम वहाँ जहाँ के लिए निकले हैं। सोनहत बाज़ार में पहुँच चुके हैं, ये यहाँ का बाज़ार है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सोनहत बाज़ार से बढ़ चले हैं अपने रिसोर्ट की तरफ। सुरम में वादियों में जंगल के बीच मुख्य सड़क से हम दाहिनी तरफ निकले हैं। ये पूरा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का इलाका है। ये उस तरफ जो पहाड़ दिख रहा है घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये जलाशय है, और हम यहाँ से बढ़ रहे हैं कच्चे रास्ते। काफ़ी अच्छा घना जंगल है, और इस जंगल के बीच में शानदार रिसोर्ट बन रहा है। थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं। फर्स्ट लुक देखिए आप, ये बन रहा है, क्या शानदार लोकेशन है। इधर जलाशय, उधर घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कुछ ही दिनों में तैयार होने वाला है पर्यटकों के लिए, और पूरा लकड़ी का काम हुआ है इसमें। यूरोपियन लकड़ी, कनाडा की लकड़ी, ये सब लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। लॉन गार्डन की तैयारी चल रही है।
और अलग से भी कॉटेज बने हुए हैं। पूरा वुडन वर्क से बना ये कॉटेज लगभग तैयार है। अंदर से दिखाता हूँ कैसा। ये मेन रिसेप्शन की जगह है और यहाँ यहीं पर किचन भी रहेगा। तो रेस्टोरेंट और रिसेप्शन ये दोनों बन के अब पूरी तरह से लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। खुशबूदार लकड़ी, कमरे में घुसते ही इसकी महक शानदार आ रही है। ये चारों तरफ काफ़ी स्पेस है और गार्डन एरिया है। ये पाथवे है, अभी भी निर्माणाधीन है और इसमें हम चल के परिवार के साथ सुकून के पल टहलते हुए बिता सकते हैं। उधर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का इलाका और हम इस रास्ते से बढ़कर जा रहे हैं कॉटेज की तरफ। सरई के पेड़ के बीच में ये शानदार कॉटेज है। अब बन रहा है, कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएगा। तो ये है बालकनी जहाँ से बैठ के हम सामने जलाशय का नज़ारा ले पाएंगे। चारों तरफ जंगल, इधर नाला। हर मौसम में यहाँ अलग अलग खूबसूरती देखने को मिलेगी और इस तरफ पूरा घना जंगल है। शुरू में जिस कॉटेज में गए थे वो दिख रहा है और ये रिसेप्शन और रेस्टोरेंट। इस पुल के सहारे पार होके हम पहुंचेंगे वहाँ। क्या नज़ारा है, क्या शानदार लोकेशन है और काफ़ी हाइट पे बनाया गया है इसको, तो सुरक्षित भी है और पूरा काम लकड़ी का हुआ है, वो भी यूरोपियन लकड़ी है, दिल्ली से मंगाया गया है और दिल्ली के कारीगर भी हैं जो इसको खूबसूरती प्रदान कर रहे हैं। जो पौधे हम लाए थे उसको यहाँ रिसोर्ट में रिसेप्शन के ठीक सामने लगा रहे हैं। फिर कुछ साल बाद देखेंगे आके इनकी स्थिति क्या है।
तो ये देसी गुलाब शानदार तरीके से लग चुका है। तो ये निर्माणाधीन रिसोर्ट हमने आपको दिखाया और लगभग 8 से 10 एकड़ में फैला है। एक तरफ जलाशय, एक तरफ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ काम तेज़ी से चल रहा है, कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएगा। तो कोरिया ज़िले में पर्यटन का एक और आयाम तय होगा इसके बन जाने से, और जिस खूबसूरती से बन रहा है, जितने अच्छे ढंग से इसको बनाया जा रहा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में ये एक पर्यटन का बहुत अच्छा स्थल होगा। तो आशा करता हूँ कि बहुत जल्द ये जगह आम लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए उपलब्ध हो पाएगा। और बादल बहुत घने छा गए हैं, तो आज अलर्ट भी है कि इधर तड़ित झंझा की बात कही गई है। तो हम वापस चलते हैं। यहाँ आने के लिए आपको अंबिकापुर से अगर आ रहे हैं तो NH 43 में आना होगा और खरवत चौक से रेलवे क्रॉसिंग को पार करके आप सोनहत आ सकते हैं, 30 किलोमीटर लगभग। और सोनहत से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर ये शानदार रिसोर्ट है, तो इस रिसोर्ट का आप आनंद बहुत जल्द लेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।